Today, we are going to talk about suggested decision making strategy. Since we have been talking about decision making, and we come to know that decision making doesn't come into a minute or a second, we need to go to certain steps to achieve the process of decision making. According to REST 1982, executing and implementing a plan of action involves some very important factors. जब भी हम डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं वो एकदम से अचानक से नहीं होता बल्कि सर्टेन स्टेप्स जो हैं वो हमें अचीव करने होते हैं ताकि हम एक अच्छे डिसीजन तक कंक्लूड कर सकें फिगरिंग आउट द सीक्वेंस ऑफ कंक्रीट एक्शन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन अ सर्टन मैनर क्योंकि जब तक हमने एक प्लान नहीं बनाया होगा इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर आस कि हमें अपने कंक्रीट जो स्टेप्स हैं वो ना कि ऑन फर्स्ट स्टेप वट वी आर गोइंग टू डू देन हाउ वी आर गोइंग गोइंगोसीड इन टू द सेकेंड स्टेप एंड टू द थर्ड एंड प्रोबेबली फोर्थ और द फाइनल वन वर्किंग अराउंड इम्पेड एंड अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज डिफिकल्टीजर वी आर गोइंग टू टेक एनी कोर्स ऑफ एक्शन इट इज नॉट पॉसिबल दैट इट शुड ऑलवेज रन इन टू अ वेरी स्मूथ एंड इन अ वेरी ऑर्गेनाइज फैशन देर कम डिफरेंट इम्पेडमेंट्स देर कम डिफरेंट चैलेंजेस देर कम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल so we have to make some backup plan for that that how we are going to overcome those difficulties and those challenges then overcoming fatigue and frustration there comes the situation when we, we are fatigued then we are going to go through different kind of problem areas and then at times we get up ourselves in frustration so we have to see the backup plan for all these things as well एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी आप सब जानते हैं कि बोर्डम का इफेक्ट जो है वो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत एडवर्स होता है सो एट टाइम्स द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और अ थेरेपिस्ट हु इज गोइंग टू वर्क इन टू अटन सनारियो वो भी ट्रस्टेशन का शिकार हो सकते हैं कि उनकी थेरेपी के कोई अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं आ रहे या वो बहुत ज़्यादा चैलेंजस फेस कर रहे हैं और जो वो कोर्स ऑफ एक्शन उन्होंने प्लान किया है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो उसके रिज़ल्ट में भी बहुत सारे नेगेटिव um, जो है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसिस फेस किए जाना पॉसिबल है देन कीपिंग साइट ऑफ इवेंचुअल गोल्स एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कभी भी डी ट्रैक नहीं हो सकते अपनी इस जर्नी को जो है वो हम ये नहीं देख सकते कि वो डिसपर्स uh, हो जाए और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट uh, हम चीज़ों में उलझ जाएं फ्रस्ट्रेशन का बोर्डम का शिकार हो जाएं जो इवेंचुअल गोल्स हैं जहाँ तक हमने रीच करना है वो डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज हमें सिखाती हैं कि इवेंचुअली वी हैव टू रीच टू दैट गोल

लेकिन आफ्टर द सेक्शन फाइव और सिक्स यू फील दैट यू आर फीलिंग अनवेल या आपका जो क्लाइंट है वो सेशंस अटेंड करने के लिए नहीं आ रहा ड्यू टू सम फैमिली इशू तो वहाँ पर एक ब्रेक आ जाता है और उसकी वजह से सारा जो प्रोसेस है वो डिले हो जाता है तो इस तरह की जो डिस्ट्रैक्शन हैं वो भी बाजुकात एक चैलेंज बन सकती हैं देन अदर शुड अंडरटेक डिसीजन मेकिंग द एक्चुअल प्रोसेस कैन रेंज फ्राम मिनट्स टू डेज और टू वीक वेन वी आर गोइंग टू मेक द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फ्रूटफुल और सक्सेसफुल उसको सक्सेस बनाने के लिए उसको एक अच्छा पॉसिबल हैपनिंग डिसीजन बनाने के लिए जितना भी टाइम लग सकता है उसके बारे में कहना कुछ पॉसिबल नहीं है मे बी हम बहुत जल्दी किसी डिसीजन पर कंक्लूड कर जाएँ हमें शायद वो कुछ सेकेंड्स और कुछ मिनट सोचने के बाद लगे कि ये एक बेस्ट डिसीजन मेकिंग पॉलिसी हो सकती है इस क्लाइंट को हमें या इस सचुएशन को हमें ऐसे हैंडल करना है और बात वो इतना कॉम्प्लिकेट हो सकता है या उसके अंदर कोई बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन माइंड में नहीं आ रहा होता और उसके अंदर बहुत सारे दिन और हफ्ते या महीना भी लग सकता है देन द डिसीजन मेकिंग में ओनली टेक बिकॉज द सिचुएशन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अनबिक्वस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एथिकल डायलिमाज एथिकल इश्यूज एंड एथिकल कंस्ट्रेंट्स तो वो मैटर्स जहां पर एथिकल ऑब्लीगेशन इतनी हाई नहीं होती वहां पर डिसीजन मेकिंग करना बहुत क्विक होता है बहुत आसान होता है आप सेकंड्स में डिसाइड कर सकते हैं बिकॉज यू कैन सी दैट ए इज ए एंड बी इज बी एंड थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड यू गो फॉर द डिसीजन अदर्स कैन बी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व एम बिगवियस इशूज आई नीड टू क्लैरिफाई लॉयलिटीज एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड सो ऑन और कुछ ऐसे भी सनाइयोज हो सकते हैं जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हों वे वी सी के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं वी हैव टू सी दैट विच पर्सन इज़ वर्किंग फॉम होम स्टेक और फिर हमें ये भी देखना होता है कि इसके जो आउटकम्स हैं वो कहाँ तक हमें अपनी कम्यूनिटी पर नज़र आएंगे उन पार्टिसिपेंट्स पर नजर आएंगे अगर उसमें कोई छोटे बच्चे हैं उस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व उनकी मेंटल हेल्थ पर इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है एंड दे कु अदर थिंगस विच आर वेरी माइन्यूट एंड मे बी वेरी यू नो डेलीकेट टू हैंडल इन टर्म ऑफ साइकोलॉजिकल बर्डन सो so, उनको देखना जो है वो बात उसकी एथिकल वैल्यू को हैवी होने की वजह से उसे कॉम्प्लेक्स बना देता सम सजेस्टेड स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग एथिकल डिसीजंस इंक्लूड डिटरमिन वेदर द मैटर ट्रूली इन्वॉल्व एथिक्स ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से कि हर सिचुएशन के अंदर एथिक्स जो हैं वो किस हद तक इन्वॉल्व हैं इसको समझना और इसका अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है कुछ एक्सपेरिमेंट्स कुछ सिचुएशंस या कुछ सिनेरियोस इतने सिंपल हो सकते हैं कि उसके अंदर कोई हाई एथिकल या मॉरल ऑब्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं होती फर्स्ट सिचुएशन मस्ट इन्वॉल्व एन एथिकल इशू सो वी नीड टू सी कि अगर हमें कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें एथिकल सिचुएशन इन्वॉल्व हो रही है तो उसका क्या लेवल है डिस्टिशन बिटवीन पुअर प्रोफेशनल एंड अनएकल बिहेवियर मे बिकम क्लाउडेड स्पेशली इफ वन फील्स इमोशनली इमोशनलीवॉल्व और अंडर अटैक जिन सिचुएशन के अंदर एक जो इंडिविजुअल जो खुद एक रिस्पॉन्सिबली एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रहा है या वो एक थेरेपिस्ट के तौर पर काम कर रहे है वो खुद इमोशनली अगर वीक है और उस सिचुएशन के अंदर वो खुद अपने आप को वर्नरेबल फील कर रहा है तो वहाँ पर प्रॉबेबली वो थोड़ा सा उसके एथिक्स भी कम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगे बिकॉज वेन वंस बिकम द पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप योर सेल्फ इम्पार्शल एंड बिहेव इन टू अ वेरी न्यूट्रल मैनर सो एथिक्स में ये जानना बहुत जरूरी है सबसे पहले कि आपकी अपनी पर्सनल बाइसिस अपने पर्सनल ग्रजेस अपने इमोशनल uh, जो चैलेंजेस हैं वो तो सामने नहीं आ रहे कहीं अगर वो चीज़ें भी उस चीज का हिस्सा बन रही हैं तो वहां पर हमने जैसे माजी में देखा कि पास्ट में बहुत सारे ऐसे क्लासिकल अनएथिकल एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें रिसर्चर्स तो थे उनके पर्सनल बायसेस भी जो है वो इन्वॉल्व थे दैन कंसर्ल गाइडलाइंस ऑलरेडी अवेलेबल दैट माइट अप्लाई एज अ पॉसिबल मैकनिज्म फॉर फॉर रेजोल्यूशन नाउ वी हैव टू सी दैट वन वी आर गोइंग टू डू

रिसर्च including इंक्लूडिंग केस स्टडीज दैट apply अप्लाई टू द पर्टिकुलर सिचुएशन अदर टू द गाइडलाइंस वी हैव द केस स्टडीज well वेल जैसे अगर हम आ, कुछ क्लासिकल केस स्टडीज की बात करें तो वो भी हमें बहुत सारा सन्ारियों क्लियर करती हैं कि अगर हम उस तरह की कोई सिचुएशन दोबारा से रिप्रोड्यूस करेंगे जैसे हम अगर एल्बर्ट केस की बात करें जिसको हमने लेटर ऑन देखा कि वॉटसन ने आ, और रेनर ने उसको जो है वो सिस्टमेटिक डिसटाइजेशन के थ्रू उसके फोबियाज को दूर किया वो सिचुएशन को अगर हम रीज्यूम करते हैं तो वी कैन वेल अंडरस्टैंड कि उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किस तरह की ट्रबल्स और एथिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आज के टाइम में भी क्रिएट कर सकते हैं सो अदर देन हैविंग द गाइडलाइंस वी आर हैविंग द केस स्टडीज एज़ एन एग्जांपल व्हिच हेल्प्स अस इन मेकिंग द गुड डिसीजंस